नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे, जय माता दी। हम शुरू कर रहे हैं। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ सिविल सेवा की तैयारी के बारे में। तो आप इस चीज़ को पहले ध्यान से सुने, 2 से 5 मिनट की बात है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर, तभी आप सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा होने में समय लगता है। कोई भी आप अच्छा काम करोगे, आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहोगे, तो उसमें आपको समय लगेगा। इस बात को ध्यान में रख के सिविल सेवा की तैयारी करें। ये समय 2 वर्षों का हो सकता है, 3 वर्षों का हो सकता है और कभी कभी 5 से ज़्यादा वर्षों का भी हो सकता है, लेकिन अच्छा होगा। और याद रखना है, कितना भी मोटिवेशन ले लो, आपको मोटिवेशन के बाद भी मेहनत ज़रूरी होती है। कोई भी व्यक्ति मोटिवेट कर दे, आपको तब भी मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए मेहनत विश्वास के साथ करें, तभी आप सिविल सेवा की तैयारी कर पाएंगे। और ये मेरा नंबर है 7987067429। आपको जीवन में पढ़ाई से जुड़ी कोई भी बात, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, आपको पूछनी है और आपको लगता है कि मैं इतना योग्य हूँ कि आपको मदद कर पाऊँगा, तो आप 24/7 मुझसे बात कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं होना है, कभी भी परेशानी हो पढ़ाई को लेकर, मैं आपकी मदद करने के लिए 24/7 उपलब्ध हूँ। अब देखो, सिविल सेवा होती क्या है? सिविल सेवा होती है आपको लोगों की सेवा करना है, आपको नागरिकों के लिए काम करना है। तो इसके लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है, एमपीपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीपीसीएस होता है और भारत के अन्य जो राज्य हैं वो भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाते हैं। अगर आप इनमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अच्छे काम में समय लगता है और कितना भी मोटिवेशन ले लो, आपको मेहनत ज़रूरी होती है। इसलिए मेहनत हमेशा विश्वास के साथ करें। मतलब कि सिविल सेवा की तैयारी में आपको समय भी देना पड़ेगा और विश्वास के साथ मेहनत करना पड़ेगी। आप नेगेटिव मत होजिए और मोटिवेशन से भी आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ आपकी प्रेरणा के लिए लीजिए, फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए ये याद रखना पड़ेगा, सिविल सेवा की तैयारी में समय और मेहनत दोनों भरपूर लगती हैं। और अगर वो कर सकते हो, वो समय दे सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तभी आप सिविल सेवा की तैयारी करें। और देखो, इसका परीक्षा पैटर्न कैसा होता है सिविल सेवा में? पहले प्रीलिम्स होता है जिसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं, फिर मेंस होता है जिसमें लिखना पड़ता है, और फिर इंटरव्यू होता है जिसमें आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना पड़ता है। मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में आप चीज़ों को चुन सकें, एमसीक्यू में से आप चुन सकें, और किसी के बारे में आप महत्वपूर्ण बातों को लिख सकें और महत्वपूर्ण बातों को बोल सकें। मतलब कि जब भी आप कोई चीज़ समझें, जब भी कोई चीज़ आप जानें, तो आप 3 नज़रिए से देखें कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में क्या पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है। जैसे वर्तमान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में प्री में क्वेश्चन बनेगा कि भारत में लोकसभा का चुनाव कौन कराता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक चुनना पड़ेगा। फिर आपसे वो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंस में कि भारत में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया क्या है, समझाइए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। इंटरव्यू में पूछेंगे लोकसभा के चुनाव भारत में क्यों ज़रूरी हैं, लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी हैं। समझ पा रहे हैं? तो जो चीज़ चल रही है उसको 3 नज़रिए से देखना है। प्री एमसीक्यू बेस पे कैसा पूछा जाएगा, मेंस राइटिंग कैसे करोगे, इंटरव्यू बताओगे कैसे, तब जाके आप सिविल सेवा की तैयारी के सही डायरेक्शन में हैं। और सही डायरेक्शन के लिए आपके 3 मित्र होते हैं सिविल सेवा में। आपके जो सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, सबसे अच्छे जो मित्र हैं, वो हैं, एक आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए और आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आप बेहतर तरीके से सिविल सेवा की तैयारी कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो है, ये पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, यहाँ पर ये जो हैं, ये वाली जो बुक है ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, और यहाँ पर ये जो है, ये सिलेबस रखा हुआ है पीएससी का। तो आपके लिए बता दें कि सिर्फ आपको
बुकों को अपने साथ रखना है। इंटरनेट के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में सिविल सेवा की तैयारी के लिए ये जो तीन मित्र हैं आपके, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी देना है। लेकिन टेस्ट सीरीज याद रखना, ये सबसे बाद में आएगा, जब सिलेबस पे आपकी कमांड हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपकी कमांड हो जाए, तो जब आप एग्जाम देने वाले हैं, जिस वर्ष आप एग्जाम देने वाले हैं, कोशिश करें उस समय आप टेस्ट सीरीज लगाएं। शुरू में आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है कि पहले दिन से टेस्ट सीरीज लगाना। टेस्ट सीरीज आप तभी लगाओगे जिस साल आप एग्जाम देने वाले हो, जिस समय आपने टारगेट किया है उस समय आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप सिलेबस को समझने के साथ साथ चार सब्जेक्ट को पहले पढ़ लें। चार सब्जेक्ट को आप पढ़ लें, पहले आप हिस्ट्री को पढ़ लें, फिर आप पॉलिटी को पढ़ लें, फिर आप जियोग्राफी को पढ़ लें, फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ लें। एक सिर्फ सामान्य रूप में आप ऐसे समझ लो कि आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप क्या कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अगर आप उन चार बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, उसमें साथ में साइंस को और ऐड कर लो अगर आपके पास समय है, 2 से 3 महीने में अगर इन सब्जेक्ट को आपने किसी भी बुक से पढ़ लिया, लूसेंट से पढ़ लिया, एनसीईआरटी से पढ़ लिया या किसी कोचिंग के नोट से पढ़ लिया, आपको ये इसलिए नहीं पढ़ना कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये इसलिए पढ़ना है जिससे आप सिलेबस को समझ पाए, जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझ पाए। होता क्या है, अगर हमें सब्जेक्ट का ही आइडिया नहीं है तो आप सिलेबस नहीं समझ पाओगे। इसलिए मेरी इस सलाह को आप याद रखेंगे कि पहले आपको जो जनरल स्टडीज के 5 सब्जेक्ट हैं या मुख्य रूप से 4, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और ऐड कर सकते हो साइंस, इनको पहले आपको बेसिक रूप में पढ़ना है। और इनमें से 4 सब्जेक्ट की मेरे पास PDF है जिसको मैंने 1.5 से 2 महीने देके पूरी मेहनत से बनाया है, तो आप इस पर WhatsApp कर देंगे तो मैं आपको वो PDF भेज दूंगा। उन PDF को पढ़ने में आपको 10 से 15 दिन लगेंगे। चारों PDF पढ़ लोगे, उसके बाद जो आपको सिलेबस समझ में आएगा, उसके बाद जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आएगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो आपको 4 से 5 सब्जेक्ट जो है फाउंडेशन सब्जेक्ट पढ़ना है, तभी आप सिविल सेवा की तैयारी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। अब क्या कोचिंग करना सही है या सेल्फ स्टडी, आपके लिए बता दें, आपकी योग्यता जैसी है। कोचिंग करोगे तब भी मेहनत करना है, सेल्फ स्टडी करोगे तब भी मेहनत करना है, और यूट्यूब से पढ़ोगे तब भी मेहनत करना है, नोट से पढ़ोगे तब भी मेहनत करना है। तो जरूरी है मेहनत पे फोकस किया जाए, और मेहनत का डायरेक्शन कैसा हो, पाठ्यक्रम के अनुसार हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार हो, और टेस्ट सीरीज के क्या हो, अनुसार। अगर आप कोचिंग भी पढ़ते हैं तब भी आपको ध्यान देना है कि क्या कोचिंग सिलेबस कवर करा रही है। जितना कोचिंग ने सिलेबस कवर करा दिया वो आपने कंप्लीट कर लिया, और जो बचा है वो खुद से कंप्लीट करना है। देखो, आपको ना कोचिंग से शिकायत होगी ना नोट से शिकायत होगी, आपको आखिरी में खुद से शिकायत होगी। तो कोचिंग करो, चाहे नोट्स पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी पढ़ो, चाहे यूट्यूब पढ़ो, मेन फोकस होना चाहिए क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैच कर पा रहे हैं, क्या हम टेस्ट सीरीज में नंबर ला पा रहे हैं। जो चीजें आपको ये तीनों चीजों सेटिस्फाई करें, कोचिंग अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करा रही है कोचिंग करिए, नोट्स आपको करा रहा है नोट्स करिए, और जो कोचिंग नहीं करा पा रही है वो खुद से करिए, यूट्यूब से करिए, नोट से करिए। मतलब कि आपका जो रोड मैप है वो आपके पाठ्यक्रम में होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन कितना भी हो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ना कोचिंग गलत होती है, ना नोट्स गलत होते हैं, ना सेल्फ स्टडी गलत होती है। हमें हमारे पास रोड मैप होना चाहिए, परीक्षा की नीड क्या है, हमारी क्षमता क्या है, और हमने कितनी चीज़ों को कवर कर लिया है, ये चीज आपको हर समय पता होनी चाहिए, तभी आपको उस बात का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो आपको कभी भी कोई टेंशन होती है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और याद रखें मोटिवेशन के साथ मेहनत जरूरी है, विश्वास जरूरी है, और कभी आपको असफलता मिलती है तो उससे घबराना नहीं है। कभी कभी मानव को क्या होता है, नेगेटिविटी फील होती है, थोड़ी सा लो फील होता है, थोड़ी सा बुरा लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसी होती है कि हम कई बार नकारात्मक सोचने लगते हैं। तो अगर
आप हफ्ते में 4 से 5 दिन पढ़ पा रहे हैं तो आप बेहतर हैं। कभी कभी नकारात्मक विचार आ रहे हैं, बेहतर हैं। कम नंबर आ रहे हैं, बेहतर हैं। बस मेहनत करते रहिए और याद रखिए, मेहनत अपनी क्षमता के अनुसार करें, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार करें। हाँ, जब पेपर का 1-2 महीना रहे तब आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, थोड़ी खाना पीना कम भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में समय लगेगा तो समय देना है, मेहनत लगेगी तो मेहनत करना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। 3 मित्र कौन कौन से हैं? सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज। याद रखना, टेस्ट सीरीज आखिरी में लगानी है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको बताने की कोशिश करी वो आप समझ पाए होंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।